नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप अपने YouTube चैनल पर। तो पुस्तकालय भर्ती परीक्षा को पदों को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। दैनिक भास्कर की न्यूज है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पुस्तकालय भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या 700 से 1100 करने की यहाँ पर मांग रखी गई है दोस्तों। तो आपकी दोस्तों बता दूँ, ये भर्ती जो पुस्तकालय भर्ती परीक्षा है दोस्तों, बहुत ही पुरानी भर्ती परीक्षा, और इसके लिए कई बार आवेदन मांगे गए थे और इसके लिए कई अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए हैं। तो वैसे में पुस्तकालय गेट त्रि भर्ती में 2018 के पदों की बढ़ोतरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम आस पर उपखंड अधिकारी प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पुस्तकालय गेट भर्ती 2018 जिसकी परीक्षा 19 सितंबर 2020 को आयोजित हो चुकी है तथा भर्ती को 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है दोस्तों। इस भर्ती के आवेदन 2 से 3 बार लिए जा चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसके लिए आवेदन किए हैं दोस्तों। तो ऐसे में जो मांग रखी गई है कि इसके पदों को बढ़ाकर 700 की जगह 1100 किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिले दोस्तों। तो इस भर्ती आवेदन 2 से 3 बार लिए जा चुके हैं जैसा कि आप सबको पता होगा इसके, और जिसकी परीक्षा वो लीक भी हो गई थी। तो ऐसे में ये परीक्षा 19 सितंबर को द्वारा से आयोजित कराई गई थी। तो ऐसे में दोस्तों स्टूडेंट की मांग है लाखों बेरोजगारों को राहत देने के लिए, यहाँ पर जो पदों को 1100 करने की यहाँ पर मांग रखी गई है दोस्तों। कई जगह ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूँ, हमें चैनल पर आपको इसी तरह वीडियो बना के सपोर्ट करता रहूँगा दोस्तों। आप ट्विटर पर सभी जो ट्विटर अकाउंट है उस पर आप जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ट्वीट करें, रीट्वीट करें, जिससे कि सरकार हमारी मांगों को माने दोस्तों। तो पुस्तकालय भर्ती परीक्षा पर अगर पद बढ़ाए जाते हैं तो ऐसे में जो स्टूडेंट बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ही खुशी खबरी की बात होगी दोस्तों। अब मैं बात करूँ रिजल्ट की दोस्तों, तो रिजल्ट आपका दोस्तों नवम्बर के हाफ तक आ सकता है, यानी नवम्बर के दीपावली तक आपका जो रिजल्ट है, दीपावली से पहले आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है दोस्तों। और इसी के साथ कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, तो जो मैंने कट ऑफ को लेकर अलग से वीडियो बना दी है, आप ऊपर दी गई बेल आइकन बटन पर क्लिक करके या चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, कट ऑफ आपकी अगर जिनकी ST SC की बात करूँ तो 175+ हैं, वो आराम से सेफ जोन में है। और मैं जनरल की OBC की बात करूँ दोस्तों तो 185 यहाँ कट ऑफ जा सकती है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।